चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश का आमजन स्वास्थ्य रहेगा तो ही राजस्थान विकास के लिए आयाम स्थापित कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रदेश की आमो आवास की निरोगी व स्वस्थ रखने का संकल्प स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से साकार हो रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों अधिकारी कर्मचारियों से स्वास्थ्य शिविरों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य शिविरों से जुड़ने का आह्वान किया। डॉक्टर शर्मा रविवार को प्रदेश में प्रारंभ हुए मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों के शुभारंभ के अवसर पर वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदयपुर, अजमेर, बारा, जोधपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा जिलों की विभिन्न ग्राम पंचायतों के शिविरों में आए लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की विषम भौगोलिक संरचना के चलते घर घर तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना बेहद चुनौती भरा है। आमजन को निरोगी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रदेश में 12,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहा कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनकी जन्मतिथि पर ऐसे शिविरों का आयोजन उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में 30 वर्ष से अधिक उम्र में प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि समय रहते उच्च रक्तचाप, मधुमेह सहित कई बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन असंभव हो सके। उन्होंने कहा कि आमजन इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाकर निरोगी राजस्थान की मुहिम को मजबूत कर सकता है।